जब दिल्ली की एमसीडी में बीजेपी का राज था तब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगाती थी कि बीजेपी शासित एमसीडी में पूरी दिल्ली में गंदगी और कूड़ों का ढेर लग रहा है। इतना ही नहीं, कूड़ों के पहाड़ को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीत कराती है तो इलाके के विधायक और पार्षद एक ही पार्टी के होंगे तो पूरी दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पौस इलाके विकासपुरी विधानसभा इलाके में और वहाँ के हालात में दिखाना चाहता हूँ। ये मुख्य सड़क है जो दर्जनों कॉलोनी को अलग अलग इलाके से जोड़ती है और इस सड़क पर कूड़े की हालत देखिए। ये कूड़े की हालत कोई पिछले 2-4-10 दिनों से नहीं बल्कि महीनों से इसी तरह बनी हुई है और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि कूड़ा कहाँ किस इलाके का यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में फेंका जाता है। ये सड़कें 24 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक, लोगों की आवाजाही रहती है, दिन रात आवाजाही रहती है और लोग परेशान होते हैं। आधी सड़कें कूड़े से पटी हुई रहती है। अब मैं ठीक इस सड़क के सामने आपको दिखाता हूँ कि ये पॉश सोसाइटी है जहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं। आप देखिए ये पॉश सोसाइटी है, सातवीं सोसाइटी के भीतर ही एक मंदिर भी बना हुआ है और वहाँ ठीक सामने जो है सो कूड़े का इस तरह से ढेर लगा है। और यहाँ के लोगों से जो बातचीत हमारी हुई उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं बल्कि पूरे विकासपुरी विधानसभा इलाके में इन दिनों कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इलाके के लोग जो हमसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि ये समस्या कई महीनों से चली आ रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। देखिए कितना बड़ा पहाड़, ये इन लोगों ने बताया कि कूड़े का नया पहाड़ विकासपुरी में जमा होना शुरू हो गया है और इसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ बदबू की समस्या से, ट्रैफिक की समस्या से बल्कि अब तो बीमारियों का खतरा भी होने लगा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कितनी बड़ी समस्या और कब से। सबसे पहले अपना नाम बता दें। रवि त्यागी जी। त्यागी जी, ये हालात कब से हैं? ये हालात जब से ये नया निगम बना है और वो कहते थे कि हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे और दिल्ली को चमकाएंगे, लेकिन इस समय ढलाव तो बहुत दूर दिल्ली के, इस समय हर वार्ड कूड़े का पहाड़ बन चुका है और यहाँ इतनी चौड़ी रोड ये है, केवल एक लेन बची रहती है ट्रैफिक के जाने के लिए और लोग नाक मुंह दबाकर यहाँ से बड़ी मुश्किलों से निकलते हैं। स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या है और ये विकासपुरी का एक बाईपास रोड है और जिसकी ये हालात है और आगे आने वाले इस पर एनक्लोजमेंट और ये कूड़े का, ये इतनी गंभीर समस्या अब हो चुकी है कि लोग यहाँ से निकलते हुए भी अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अब डरने लगे हैं। केजरीवाल जी कहते थे कि आपके विधायक आपके पार्षद हों तो हम लंदन पेरिस बना देंगे। पार्षद जी यहाँ पर जो विकासपुरी के अंदर RWA के ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर भी हैं और बार बार इस समस्या को पार्षद जी के सामने उठाया जाता रहा है, लेकिन पार्षद जी कभी मना नहीं करते लेकिन इसकी सफाई प्रॉपर ढंग से वो करवा भी नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं जी। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम तेजिंदर सिंह सोढ़ी है। सोढ़ी साहब, जब MCD में आम आदमी पार्टी नहीं थी तब केजरीवाल जी कहते थे कि पार्षद भी एक ही पार्टी का बना दो, लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को। केजरीवाल जी झूठ बोल के राजनीति में है, अन्ना हजारे जी को धोखा दे के आए। आज उन्होंने वो कार्य पूरा करते दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया और धोखे के शिकार हो चुकी दिल्ली और बुरा हाल है दिल्ली का। तो मेरा कहना ये है कि धोखा देना बंद करें और रिज़ाइन करें अगर उनसे नहीं संभलती और दिल्ली को सुधारने का काम करें। अभी आपके साथ ही कुछ लोग थे वो कह रहे थे जी विकासपुरी नहीं कूड़ापुरी है। विकासपुरी विनाशपुरी हो चुकी है जी, विकासपुरी विकास नहीं हुई विनाशपुरी हो चुकी है। कूड़ा तो है ही है, भरा पड़ा इसमें, दिख ही रहा है सबको। कूड़ापुरी भी कहने लगे, कूड़ापुरी भी कहने लग गया। हालात लग रहे हैं कि कुछ बदलेंगे? देखो जी हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहे, हम पार्षद जी के पास जाते हैं ना कभी वो करते नहीं है, शायद से ज़्यादा मीठे शब्द उनके होते पर काम नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या ही है। तो देखिए ये यहाँ की परेशानी है कि लोग लगातार एजेंसियों को शिकायत करते हैं, पार्षद के पास जाते हैं शिकायत को लेकर, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता, इस समस्या का समाधान नहीं होता। अब हम विकासपुरी इलाके के ही कुछ और इलाकों में कूड़े के जहाँ गंभीर समस्या है उस इलाके का दौरा करते हैं। इस इलाके के पार्षद रह चुके हैं, हालात तब भी बहुत अच्छे नहीं थे और अब तो और बुरे हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखो केजरीवाल जी इस वायदे के साथ सरकार में आए हैं कि मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, जनता झांसे में आ गई। उनका कहना था कि वहां बेशक हटे न हटे पर यहां कूड़े के पहाड़ बनाऊंगा, तो अब
आपका कैमरा पीछे अभी आप वीडियो बना के आए हो, ये सड़क के बराबर में कूड़ादान बनवाया गया था पीछे मेरे टाइम में, ये फ्लड से जगह लेके इनको कूड़ेदान बनवाया था, यहाँ कॉम्पैक्टर लगवाया अगली टर्म में, लेकिन उस कॉम्पैक्टर को अंदर रखा हुआ है और पूरी की पूरी सड़क हमेशा कूड़े से भरी रहती है, कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई अफसर काम कर रहा है ना कोई नेता सुन रहा है, इन दोनों का होना या ना होना सब बराबर है और झेल जनता झेल रही है। ये बराबर में स्कूल है, बच्चे दिन रात इस सड़क में पड़े हुए कूड़े की बदबू में अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं, निकलने बढ़ने वाले आदमी रोज़ यहाँ गाय यहाँ कभी इधर से कूड़े से उठती हैं सामने गाड़ी के आती हैं, रोज़ एक ना एक एक्सीडेंट हो रहा है, और कल राजेंद्र नगर की घटना आपने देखी है लापरवाही का नतीजा, यहाँ भी कल कोई इस तरह की घटना होगी फिर कहेंगे किसी एक एएसआई को सस्पेंड कर देते हैं, नेता को इस्तीफा देता नहीं, हम तो कह रहे हैं केजरीवाल जी इस्तीफा दो अपने घर जाओ हम अपने आप देख लेंगे। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। अपना नाम बता दो जी। नमस्कार, मैं अचला मनोचा विकासपुरी से। समस्या तो आपके सामने ही आँखों के सामने ही है जिससे यहाँ की पब्लिक जूझ रही है, सामने ही देखिए स्कूल है इतना बड़ा जिसमें छोटे से बच्चे लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उन पे क्या असर पड़ता होगा इस गंदगी से, इन मच्छरों से, इस बदबू से, कितनी तरह की बीमारियां उनमें हो रही होंगी ये सोच भी नहीं सकते। प्रशासन सोया हुआ है पूरी तरह से, इसको जगाने की हमें बहुत ज़रूरत है। जिनकी जो ड्यूटी है, जो पार्षद पब्लिक के द्वारा चुना गया है, वो अपनी आज ड्यूटी भी नहीं कर रहा है। दिल्ली को स्वच्छ स्वस्थ बनाने का इनका एजेंडा था, लेकिन आज वो कहाँ है, वो बातें कहीं पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, जिससे कि बहुत दुख की बात है कि ऐसी दिल्ली में हमें रहना पड़ रहा है। घर हैं हमारे यहाँ पर आसपास, लोग इतने परेशान हैं, इतनी बदबू आती है। अब बरसातों का मौसम है आपके यहाँ पर, अब चल रहा बरसातें चल रही हैं, तो बरसातें ख़त्म होंगी तो उसके बाद सोचिए कितनी बीमारियाँ होने वाली हैं यहाँ पर, और फिर वो प्रशासन उन बीमारियों के लिए तो बोलेगा लेकिन जो पहले करने का कार्य है वो नहीं कर रहा है। तो ये हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है यहाँ पर इस प्रशासन से, इस जो भी गद्दियों पे बैठे हैं कुर्सियाँ, या तो वो छोड़ दें, अगर वो कार्य को अपने नहीं कर सकते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें और ऐसे लोगों को लाया जाए जो कार्य करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे, और पब्लिक ने जिनके लिए चुना है वो काम तो पूरा करके दे कम से कम। तो मैं यही कहूँगी, अब मच्छर भी पैदा होने वाला है जिसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है, कूड़े भरे पड़े हैं सड़क पे। आप देखिए गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता कूड़ा खा रही है, उसकी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ किताबों में और हर जगह ये लोग लेख लिख देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका कि प्रैक्टिकली इनका कुछ काम नहीं दिख रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। हेलो, मैं मिसेस चौहान बोल रही हूँ, मैं इसी एरिया में रहती हूँ। अरे बहुत बदबू आती है इस कूड़े से, और आप देखिए पूरी सड़क, और ये फैलता ही जा रहा है डे इन डे आउट, कम होने का कहीं नाम ही नहीं है इसका ना, और बहुत परेशान है बदबू से और गंदगी से, और शर्म आती है हमें कहते हुए कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और ऐसे लगता है हम जैसे कूड़ेदान में रह रहे हो ना। तो काइंडली प्लीज़ जो भी इसके है ऑथराइज्ड, जिनको ये करने का काम है, वो प्लीज़ ये करे काम ना, जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है इसको इग्नोर ना करे। ये बहुत बड़ी, मतलब आप देखो पूरी रोड इतनी बढ़िया रोड है पर आप फुटपाथ पे नहीं चल सकते हो, डिवाइडर के ऊपर भी सारा कूड़ा डाल रखा है अगर आप देखना चाहो तो। एक बात और कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर देखिए फुटपाथ, हमारे फुटपाथ में सब जगह कूड़ा भरा पड़ा है या फिर रेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है, क्यों सोई हुई है, फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है, बुज़ुर्गों को महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है, सड़क पार करना भी आजकल दुश्वार हो गया। हमारी ये बहन अभी आई है, वो खुद कह रही थी कि मैं यहाँ से डरते डरते आई हूँ क्योंकि चलने की जगह ही नहीं है कहीं पर। डिवाइडर का देखिए यहाँ पर कूड़ा डालना शुरू हो गए हैं, फुटपाथ भर गया तो डिवाइडर में कूड़ा डाल रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस चीज़ को भी। अब हम पहुंच गए हैं विकासपुरी विधानसभा के ही दूसरे इलाके में, जहां पर
कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। इससे पहले भी हमने दिखाया आपको कि मुख्य सड़क है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। वहीं ये जो दूसरा इलाका है, ये भी मुख्य सड़क ही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि कूड़े के क्या हालात हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक कूड़ों का अंबार लगा है, और मैं सड़क के साथ आपको दिखाऊँ तो आधे से अधिक सड़क ये कूड़ों से पटी परी है। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि इसके ठीक सामने ये निजी स्कूल है। आप देखिए, ये निजी स्कूल है और यहाँ सुबह और दोपहर के वक्त सैकड़ों बच्चे यहाँ आते हैं और छुट्टी होकर यहीं से निकलते हैं। इतना ही नहीं, जो कूड़े की बदबू है वो लगातार यहाँ फैलती रहती है और जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक जाती रहती है। साथ में मैं ये भी दिखाऊँ कि यहाँ पर ये कूड़ा घर भी है। बावजूद इसके ये कॉम्पैक्टर वाला कूड़ा घर बनाया गया है, बावजूद इसके कूड़े की ये स्थिति है। और ये हालात हैं विकासपुरी विधानसभा इलाके में, जहां आपके विधायक हैं और 6 के 6 पार्षद भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। बावजूद इसके इस तरह की समस्या, जो कूड़े की जो बात कही गई थी कि एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया जाएगा, लेकिन ये हालात मैं आपको दिखाऊँ। ये जो सड़क मैं आपको बताऊँ तो ये विकासपुरी विकास नगर की जो दर्जनों कॉलोनी है वहाँ से निकल कर आउटर रिंग रोड जनकपुरी और आउटर रिंग रोड और तिलक नगर की तरफ जाती है। बावजूद इस तरह के जो हालात हैं, निश्चित तौर पर इलाके के लोगों के लिए बेहद ही गंभीर हैं। इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार उन्होंने शिकायत करी, बावजूद उसके इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। साथ ही लोगों ने विकासपुरी का नाम बदलकर पूरापुरी कर दिया है, क्योंकि सिर्फ एक दो इलाके में नहीं, पूरी विकासपुरी विधानसभा इलाके विकासपुरी, जहाँ काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, पॉश इलाके हैं, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, बावजूद इस तरह के हालात से लोग परेशान हैं। और दिल्ली सरकार और दिल्ली की एमसीडी में काबिज आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने जो भरोसा दिलाया था कि एमसीडी में भी उनकी सत्ता होगी, मतलब उनके विधायक और उनके ही पार्षद होंगे जिस इलाके में, तो उस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन यहां तो कूड़े का नया पहाड़ ही बनता जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली तक पर यह खबर दिखाए जाने के बाद शायद इलाके के जनप्रतिनिधि या फिर एमसीडी या अधिकारी इस इलाके की सुध लेंगे और कूड़े की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।